अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू शबिस्ता'स किचन ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से। बिल्कुल। तो अभी हम जा रहे तीनों नानी के घर पे, मतलब इन लोग की नानी मेरी अम्मी के घर पे। तो मैं सोची थी ऑटो बुला लूँ और ऑटो से चली जाऊँ, लेकिन जब बाहर निकली तो देखी क्लाइमेट इतना अच्छा है, तो फिर हाँ धूप नहीं है, प्लस ऐसा लग रहा है कि बारिश होएगी या किधर बारिश हो रही है पता नहीं। तो फिर ऐसे दिल हुआ कि चलो हम लोग चल के जाते, क्योंकि इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है ना, लेट जाओ और मस्त क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर हम लोग अभी जा रहे अम्मी के घर पे चल के। अम्मी का फोन आया था, तो अम्मी की जरा रूम की शिफ्टिंग चल रही है, क्योंकि वो रूम छोटा पड़ता है, तो एक से दो रूम ऐसे तो है ना, तो दूसरे रूम में थोड़ा सामान शिफ्ट करना है। तो बोले आ जा बच्चे लोग को, अब्बा अकेले हैं, तो अब्बा के साथ में कौन करेगा? शहजान अर्शी। मैं बोली अम्मी मैं आके तो फायदा नहीं है, मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगी। तो बोले नहीं तब भी तू आ जा, तू बैठ जाना, बच्चे लोग कर लेंगे। मैं बोली चलो अपन जाते हैं, और वैसे भी आज घर में बोर हो रहा था क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं है, और इन्वर्टर पे भी चल के वो पावर उतना रहता नहीं है, कितने घंटे चलेगा? बंद हो गया आधा घंटा बस। नहीं आधा घंटा नहीं, अच्छा खासा इन्वर्टर चलता है। लेकिन फिर मैंने बोली चलो चलते अम्मी के घर पे, और मस्त एक नंबर क्लाइमेट है, देखो मस्त हवा आ रही है, पेड़ वेड़ भी है। तो जा रहे हम लोग अम्मी के घर बाय वॉक, थोड़ा मजे लेते लेते तीनों वहां बैठे। जैसे तो हम रोज कभी कभार जाते तो इतनी धूप रहती है ना, चले भी नहीं जाते। नहीं अभी तक तो इतनी धूप थी एकदम, मैंने बोला अभी तक तो इतनी धूप रहती थी। ऑटो से बोलते धूप कम, ऑटो से चलो जैसी बाहर निकले, बोला रहने दो मम्मी ऑटो मत बुलाओ। हाँ मैं भी ऑटो के लिए फोन करके ऑटो बुला रही थी, जैसे ही बाहर निकले तो मस्त क्लाइमेट है, तो निकल गए। यहाँ हमारी मैडम दिख रही है, हमारी मेड अफसाना मैडम। क्या मैडम क्या बोलूं बताओ, मैं अभी घर को ताला मार के घूमती हूँ, तुम काम करो मत। सुनो मैं रात से इधर हूँ। अच्छा इधर इंतकाल हो गया है ना। हाँ। कल मेरे सामने मैयत हुआ, मैं एक रास्ता खाली जरा सुबह में मैयत गया नहाने गया घर पे, मैयत मिला न सो खाला मेरे को ताना मार दी। तो तुम शन्नौजी क्या, तो अभी तुम वहाँ जाओ घर पे जाके वहाँ पर, और मेरे वहाँ शाम में ही करो आप, क्योंकि मैं अखा दिन तुम्हारा इंतजार करी, अब मैं निकल के जा रही हूँ अम्मी के घर पे। नहीं देखो ऐसा टाइम में तो कैसे, नहीं नहीं सही बात है, अच्छे टाइम पे देखो नहीं देखो, पर ये टाइम पे सबको देखने का। मेहमान लोग बोलता है देखो ऐसा जान है कितने घंटे में काम करके हटा दिए, जाने दो नेकी करने का। फिर हम कल अच्छे टाइम पे पूछो नहीं पूछो, पर ऐसे टाइम पे सब नहीं खड़े रहे। देखी नहीं मैया तो खाने। तो ये हमारी मेड है, हीरोइन हमारी कल से गुल है, हमारे घर पे काम को नहीं आए, कहीं गए थे इंतकाल हो गया उनके घर पे काम कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, आज शाम को आ जाना ठीक है। हाँ तो मैं आ गई हूँ अम्मी के घर पे, पहुंच गई हूँ, और क्लाइमेट चेंज हो गया है। बताई मैं आपको, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बहुत मस्त क्लाइमेट है। और अम्मी का तो बताई ना, थोड़ी शिफ्टिंग चल रही है, तो वो एसी वगैरह के लिए मैं एसी वाले को लेकर आई थी उस रूम में लगाने के लिए, वायरमैन को बुलाना है, थोड़ा काम है लाइट वगैरह का, तो अभी आई हूँ तो वो बुला के सबको करवा लेती हूँ। तो मिलते हैं फिर अपन थोड़ी देर में। मैं यहाँ बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ बच्चे लोग को, और बच्चे लोग नाना के साथ में हेल्प कर रहे हैं। बच्चों में बोले तो मैं नहीं नहीं अर्शी भी कर रहे हैं, देखो कितना पसीना पसीना हो गया अर्शी और शहजान, नाना की हेल्प कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं बैठी हूँ यहाँ पर और इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ शहजान और अर्श को, और शहजान अर्शी नाना के साथ में कर रहे हैं काम। अभी फिलहाल लाइट का काम करवाना है यहाँ पर, एसी का काम करवाना है, स्टेबलाइजर इन्वर्टर का काम करवाना है। तो अभी फिलहाल तो लाइट नहीं है, लाइट आई बेटा? तो लाइट नहीं है। अब ये लाइट चालू होती है क्या? अर्शी तो बोल रहा था लाइट आई है। हाँ तो अभी फिलहाल लाइट आई है, तो अभी देखते हैं, मैं एसी वाले को भी फोन करके बुला लेती हूँ और लाइट वाले
लगा लेती हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। ये है अम्मी के घर की दिशा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग इसको अच्छे से सेट कर देंगे सब सामान के साथ। और अर्शी ना नाना की बहुत हेल्प कर रहा है, देखो बच्चा मेरा। तो फटाफट हम लोग अभी नानी के घर को, इसकी नानी के घर को, अम्मी के घर को सेट कर देंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये आ गया है सारा कबट का सामान और चल रही है वायरिंग। शेजान हट जा बेटा। कबट भी अंदर आ चुका है और ये खाली हो गया है कबट। अभी सब सेट करेंगे, थोड़ा वायर का काम हो जाए। तो मैं आ गई हूँ अम्मी के घर से। जैसे कि मैं आपको बोली थी कि अम्मी का घर का काम कितना हुआ है मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मैं नहीं बता पाई क्योंकि काम पूरा फिनिश्ड नहीं हुआ है। आज काम होएगा। देखो रात के बज रहे है 12:21 और हम आ गए घर। घर आके खाना वाना खाए, खाना खा के अभी जा रहे सोने के लिए। तो मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।